श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 328 पावन स्वरूप गैप होने के विच जिहड़ा मोर्चा एस जी पी सी ए दफ्तर के बाहर लगा सी, अज उस मोर्चे वालों एक शिकायत जी है अमृतसर पुलिस नूं कीती जा रही है। तो की शिकायत है? मामला श्रोमणी कमेटी के नाल जुड़िया है क्योंकि बेअदबी की गल की जा रही है। इस बार असीं गल करांगे सर की है जी मसला जरा तुसीं शिकायत जिन है अमृतसर पुलिस नूं पुज्जे जी। ये जी सत्कारयोग साडे भाई करतार सिंह जी हुणी महाकाल निहंग सिंह फरले वाले ये 15 तरीक न जोड़ा बेदबी के संबंध में उत्थे मोर्चा लग्या होया मंजी हाल के सामने बैक साइड ते सॉरी ते तेजा सिंह समुंदरी हाल के सामने उन्होंने इन्हों ने जदों इन्हों तक खबर पहुँची तो इन्होंने भी वो इन्हों अंदर चीज उठी है कि मैं भी उत्थे जावां। ये अपने साथियों समेत उत्थे पहुँचने की इन्होंने कोशिश की परंतु उस दिन तुसी सारे मीडिया ने भी यह संताप हंडाया कि जोड़ा श्रोमणी कमेटी की गुंडा ब्रिगेड हैगी टास्क फोर्स जिन्हों कहने वो पूरी अंकित मचाया उन्होंने मीडिया से भी हमले किए इन्हां सिंघां दियां दस्तारां उतारियां दुमाले उतारे कुटिया भी परंतु सानू यह सीगा कि ये जड़ा अपना इत्थे कोई किसी तरह का झगड़ा ना होवे क्योंकि वो चाहुंदे आ झगड़ा होवे ते असीं इहनू मोर्चे नू करिए दूसरे तरह परंतु कुछ इन्हां सिंघां दी इह वी सी कि जथेदार अकाल तख्त साहिब नूं वेट की जाए इन्ना लेट होने का। तां ते हुण शिकायत की है? शिकायत हैगी आ कि उन्होंने जिहड़ी दस्तारां दी बेदबी की आ दुमाले लाए आ उहदे खिलाफ जिहड़ी 295 ए जां होर जिहड़ियां धरावां बणदियां वा कमिश्नर साहिब को असीं आए हां साडा लेट आउण दा वी तुसीं कारण पुछणा जी उहदे लई असीं जिहड़े साडे मानयोग जथेदार साहब हैगे आ उहनां दा इंतजार ये करदे रहे सिंघ मैनू तां वैसे उहदे ते आस ही नहीं हैगी सी पहलां ही परंतु इन्हां नूं थोड़ी बहुती आस हैगी सी कि शायद उह कुछ करनगे पर उन्होंने मूँह ही नहीं खोलिया चुप्पी नहीं तोड़ी क्योंकि वह परिवार को एक परिवार के जथेदार आ कौम के जथेदार नहीं। जे कौम के जथेदार होंदे तो इमली के पेड़ नाल पूरा कोना आली ते ओ प्रताप सिंह जिहड़े जिहड़िया ने भी यह गुंडागर्दी करवाई आ ते कीती आ जिन्हां ने कीती सारिआं नूं बंधे कोड़े मारदे तो फिर तो शायद शांति आ जाती। तो अज असीं पुलिस प्रशासन को आए हाँ भी जिहड़ा काम उन्होंने नहीं किया तो तुसीं कानून की धारा अनुसार वो करो क्योंकि दस्तार की बेदबी सब तो वड्डी बेदबी है। सिखा की नुमाइंदी संस्था है श्रोमणी कमेटी जी वो कहिंदी जी पुलिस दे रोल ही कोई नहीं असीं आप ही सब कुछ कर लैंदे हां। हाँ पुलिस दे रोल की लोड़ आ हुण जदों मान लो मैं तुहानूं कोई हिट करूँगा तो तुसीं किधर नूं जाओगे पुलिस वल नूं जाओगे ना। वो कहिंदे जी धार्मिक बेअदबी दस्तार उन्हां दी नहीं हैगी ना। वो तो कहिंदे जी जो एस जी पी सी करेगी सब ठीक है। एस जी पी सी कोई धर्मराज ते थोड़ा स्थाप के भेजी आ जां रब दे दूत थोड़ा आ इन्हां च सौ दाग आ एस जी पी सी फिर जिहड़े आ बेचारे पुलिस वाले लई फिरदे नाल गनमैन उहनूं क्यों लई फिरदे आ। एस जी पी सी का पहला इजलास जिहड़ा उह डी सी दे परमिशन तो बिना क्यों नहीं हुंदा। एस जी पी सी दीआं चोणां गृह विभाग तो बिना क्यों नहीं हुंदीआं। एस जी पी सी वाले अपना सारा आडिट क्यों कराउंदे आ। एस जी पी सी वाले आर टी आई राहीं जानकारी क्यों दिंदे आ। तो तुम मानते हो कि अज तक पुलिस नूं तुसीं कई शिकायतां दित्तियां पर कोई कार्रवाई नहीं हुण पुलिस को उम्मीद है? जे ना करनगे तो फिर कोई नहीं वह हाल इत्थे भी कर लांगे इह किहड़ा कम आ। पुलिस ने जे ना कीती कार्रवाई दस्तार दी बेदबी दी ते फिर वह गल जिहड़ी उत्थे हो रही आ वह 10-20-50 इत्थे भी बिठा देंगे। ना मुला मरिया ना मसीत टुटी आ किहड़ा कम आ जी ये तो चल जूगा। ये तो हुण पुलिस ने वेखना भी आ जिहड़ी इह वैलेंस है होण नूं रोकना आ क्योंकि उन्होंने वैलेंस क्रिएट किया इरीटेट होए संगत नूं इरीटेट करने की कोशिश की संगत इरीटेट नहीं हुई वो इरीटेट होकर उन्होंने इन्हां ते हमला किया दस्तारां लाइया बेदबी की घोर जिहड़ा मीडिया से भी हमला किया। तो तुहानूं मीडिया नूं भी इस गल नूं चक लैना चाहिए। कुछ जी पर सवाल है कि मोर्चे दे विच ते श्रोमणी कमेटी बिल्कुल चुप हो गई है जी। मोर्चा एक वखरा मैटर अपना उहदे विच जे उह चुप आ आपां तां चुप नहीं हैगे आपां लगे होए आ। आपां उस चिड़ी दी बंती जिहड़ी चिड़ी जंगल विच लगी अग ते पाणी पा रही सी आपां पा रहे हां हुण बांदरां दा उहदे च की रोल आ उह डिसाइड होऊगा इतिहास डिसाइड करूगा। तो तुसीं देख सकते हो कि पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे विच जिहड़ी है शिकायत जिहड़ी है इत्थे देण वास्ते संगत पुज्जी है तां उहनां वल्लों जिहड़ा है शिकायत दित्ती जा रही है। तां जो जिस तरीके दे नाल जिहड़ा मामला सी दरअसल जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों दरवाजे लाए गए सी ते उस तों बाद जिहड़ा है ये कुछ सिंगा की दस्तारा जड़िया उतरिया सी तो उन्होंने लैके जरा है हूँ मंग पत्र जरा है अमृतसर पुलिस कमिश्नर दिता जा रहा है। तो जरा है उतों की जड़ा है इतों की तस्वीर साझिया कर रहे हैं कि किस तरीके निहंग सिखा का एक वफद जड़ा है अज अमृतसर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इस मामले शिकायत देता हुआ नज़र आ रहा है। तो तस्वीर तुम दिखा रहे हैं कि श्रोमणी कमेटी खिलाफ़ पहले ही
सिख जथेबंदियों वालों मोर्चा खोलिया गया सी तां उस तों बाद हुण जिहड़ी एक लिखित शिकायत जिहड़ी है पुलिस नूं दित्ती जा रही है। तो तुसीं वेख सकदे हो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ जिहड़ी है एक होर शिकायत पुलिस नूं दित्ती गई, क्योंकि 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले पहले भी एक शिकायत दी गई सी, लेकिन हुण बेअदबी दस्तार की बेअदबी लैके पहली बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ जी है शिकायत पत्र जरा है पुलिस को दिता गया है। तो तुम वेख सकते हो कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से शिकायत दी गई है, असं अपनी चर्चा जारी रखा। शिकायत जी है चाहे कंप्लेट बनती है, पर मेरा सवाल है कि शिकायत जथेदार श्री अकाल तख्त साहब न भी दी जा सकती थी। मेरा सवाल है कि शिकायत जी है बेअदबी की जथेदार श्री अकाल तख्त साहब न भी दी जा सकती थी। देखो जी, जथेदार अकाल तख्त साहब जे इन्नी कौम की दर्द सुनते होंगे तो अज 38 दिन हो गए कौम नूं बैठिया नूं, रिपोर्ट उन्होंने बनवाई, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करवाया, रिलीज़ उन्होंने की, श्रोमणी कमेटी नूं उन्होंने कहा कि आ बंदे दोषी हैगे, इन्हां ते कार्रवाई करो। जदों उन्होंने उत्थे नहीं सुनी तो दस्तार तो बहुत छोटी गल है गुरु ग्रंथ साहब के बराबर, उन्हां तों आस नहीं रखी जा सकती। जंग जारी रही, जंग बिल्कुल जारी और शांत। पुलिस तो उम्मीद करते हो पहला भी अगर महाराज के सरूप गायब होने की गल करिए एच जी पी सी के मैंबर वालों शिकायत दी गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हर काम बनाम होंगी है, वैसे इनू बनाम नहीं करना चाहिए। हुण अकाल तख्त साहब तो निराश हो के लोग जथेदार तो सॉरी क्षमा करो, अकाल तख्त साहब के जथेदार की परफॉर्मेंस तो निराश हो के लोग पुलिस कमिश्नर को आए आ, तुसी देख रहे हो। जे पुलिस कमिश्नर ने भी काम ना किया फिर लोग कितने जाएंगे, फिर तुसी कहने हुने अशांति कर दिया, फिर वो कम करेंगे, फिर आप पढ़ के ठोकांगे ना उन्होंने, फिर हर रात यही रह जाता, पग्गां लवा के थोड़ा जावांगे। उम्मीद है कि इत्थे पुलिस को इंसाफ मिले नहीं। हुण जे इन्होंने पीस रखना आ, असी तां भावें शस्त्र साडे कोल हैगे पर असी पीस चाहुंदे आ, पीस पीस दा करके पुलिस को आए हैं। नुमाइंदा जथेबंदी जिहड़ी नहीं सुनदी ना इत्थे आके सवाल खड़े होंदे ना कि देखो जी, नुमाइंदा जथेबंदी नहीं है, ये प्राइवेट कारपोरेट घराणा हैगा, घराने के मैंबर है, बिजनेसमैन लोगों के करिंदे आ, सुखबीर बादल एंड पार्टी हाँ जी वो कारोबारी लोग आ, कारपोरेट घराणिया के जोड़े लोग होंगे उन्होंने करिंदे इदा ही करते हैं। इनू धार्मिक जथेबंदी कहना साडा पाप लगेगा। सब पोस्ट उच्ची आ पर उन्होंने संभालनी नहीं आती, उन्होंने पता ही नहीं लगता भी मेरी पोस्ट की है। हुण तुसीं जर्नलिस्ट आ, तुहानू अपनी पावर का पता है, तुसीं सवाल कर रहे हो, तो जे तुहानू जर्नलिस्ट बारे पता ही कुछ ना हो ऐ तो हारी सारी मैक फट के थोड़ा तुरपूगा, इस करके जथेदार कृपान फटना थोड़ा बन जाता, चोला पाउना थोड़ा जथेदार बन जूगा। करतूत होनी चाहिए जथेदारों वाली, करनी होनी चाहिए जथेदारों वाली, जथेदार के कुछ फैसले होने चाहिए आ। जथेदार कला कपड़िया का ना जथेदार नहीं है, पग का ना जथेदार नहीं है, कर्मां का ना जथेदार है। शुक्रिया जी। ओके, तो एक शिकायत दी गई, हम देखना होगा इस मामले पुलिस वालों की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बेअदबी के मामले में पहली बार है कि दस्तार की बेअदबी लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ ही शिकायत जी है की गई है। कैमरामैन अक्षय दे नाल सुमित खन्ना, जगबानी टीवी, अमृतसर।